बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पसे पर्दा सच ऑफिशियल निगहबान पाकिस्तान। स्पेशल एपिसोड के साथ आए, एक्सक्लूसिव कह लो, लोगों को भी बताया इसका बाजवा नेटवर्क। मेरा कज़न जड़ा बाजवा ओ वाला कर्नल इकबाल बाजवा के चार बच्चे थे। चैनल तो आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। हैड़ा हाजी, उसका भाई तारक बाजवा, उसका भाई उसके बहन खावरा बाजवा और ताहिरा बाजवा, ठीक है जी। इनमें से सिर्फ एक पाकिस्तानी नेशनल है जिसका नाम हाजी और पाजी है, जिसको आजकल खान है वो बीएमसी ट्रक स्टार्ट करते हैं ना, तो उसके नीचे पहले सेल्फ स्टाफ नहीं होते थे, वो इतनी लंबी सी राहत डाल के तो स्टार्ट करते थे। खान इस वक्त वो स्टार्ट किया हुआ है, अजी वो खाना। हाजी दिया दो भैन ने खावरा उसका खावन शौकत घुम्मन और ताहिरा खावन का नाम शुजात घुम्मन। चद्दर साहब मैं पूछा एक साढ़ा जिगर जान है इत्थे लंदन दे विच, अजकल पाकिस्तान सुई गैस हुंदा सी, शायद तेरा भी बेली सी वो घूमन, उससे मैं पूछा तो कर हाँ जी उससे वेरिफिकेशन जो जो की से कि मैं करके टुरा हूँ। दोनों और उनके बच्चे अमेरिकन नेशनल हैं, जाना ना लागे लागे रहो। भाई तारक बाजवा और भाभी असमा बाजवा बच्चों समेत बरतानिया में नेशनल है, जो अक्सर एवन फील्ड में पाए गए हैं। वो एक फिल्म आपने देखी, दिखाऊंगा आपको अगले एपिसोड में, वो पतीले कहीं से भर भर के आ रहे हुए मुस्लिम लीग नून जो लंदन का सदर है, वो तो पतीले समेत गंदे मंदे, तो हाइजीन भी होती ना, मैंने तो कोरस किया हुआ। कुशे रानी गुंग दो साल का है तो मैंने 6 महीने में मकाया हुआ, जो किचन की सफाई इस वजह से बताओ गंदे मंदे जरासीम लगे, वो पतीले रख के तो बैठा होता सामने कि मैं वो भर भर के खा लें। सुरमा हर कोई पाल लेंदा, सजाना किसे किसे नु आंदा, डॉक्टर साहब कहते हैं। तो ये उसको अपने इतने इतने महंगे जो ले के रखे हुए चांदी का सेट PIA का इस तरह के रखे, उनमें कन्वर्ट करो फिर डालो, ओवन इतना बड़ा रखा उसमें गर्म करके फिर डालो। गल किधर दी किधर चलेगी। मजीद करदार इस फिल्म के साबका DG नैब फाइनेंशियल क्राइम्स, उसको तो मैं भी जानता हूँ, उसको फाइनेंशियल क्राइम नहीं आती, बाकी सब कुछ आता है, खारिज उसके हाथ में होती। इनके दो भाई शौकत और शुजात बाजवा के बहनोई हैं, जो ऊपर जिक्र कर दिया शौकत और शुजात के। इन गुम्मन भाइयों में तीन भाई रिटायर्ड फौजी अफसर हैं। अच्छा चेती पढ़ा, ठीक है जी। हाजी का फर्स्ट कज़न इनमें कर्नल रिटायर्ड नईम गुम्मन, जो कि हाजी के बैजमेट और क्लास फेलो थे, अब फ्रंट मैन हैं। मजीद आगे जाएं तो नईम गुम्मन का बेनोई, नईम गुम्मन का बेनोई हाजी दा कुड़मोई बनया ना। साबर मिठू अल मारूफ हाजी सेठ साबर उम्मीद, तो यहाँ इन्होंने गलत लिखा, हाजी की बेटी साबर के मिठू के साथ, मिठू के बेटे के साथ ब्याही हुई है, और हाजी का बेटा वो मुदरमान जो सेक्रेटरी डिफेंस है वो भी रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल उसके साथ। अलीम खान और ख्वाजा साद रफीक का बिजनेस पार्टनर है रियल एस्टेट बिजनेस में। हाँ जी मिठू जो कह रहा था अलीम खान को बनाओ बनाओ बनाओ, बार बार कह रहा था, डंडा दिया था, तेरी में तेही ले रही है तो वगैरह वगैरह, वो तो बावजूद तो सन को फायदा नहीं देता, बुजदार नू कट होता। अलीम खान हाजी के समधी साबर मिठू का भी पार्टनर है, और यही अलीम खान हाजी के ससुर रिटायर्ड मेजर जनरल एजाज अमजद का भी बिजनेस पार्टनर है। थम्मू हो गए,
फिर आखिर में वो जो रिटायर लेफ्टिनेंट जनरल हमदुर जमान खान सेक्रेटरी दिफा हाजी का कुड़म बनया ना, मुंडा उधर व्याया ओदी थी अपने व्याह थे। तारक बाजवा इंग्लैंड में पीआईए का डायरेक्टर लगवाया हुआ है और वहां पाकिस्तान का पैसा खा रहा है। बहन के बेटे को पाकिस्तान एम्बेसी कैनेडा में ग्रेड 18 का कौंसल जनरल लगवाया गया है। राज्य के लुटो ते अग्गे फुटो। अच्छा जी, बाकी हम बताते हैं। मलक रियाज साहब ने जो इंग्लैंड में बनाया हुआ ना अपना दफ्तर दफ्तर ब्यूरो को लुटन वाला सब कुछ, उसका करता धरता हाजी का भांजा है। नहीं मजा आया? चलो फिर अगे, फिर अभी तो मजे देते बैठे ना, पावे कुत्ती ट्रक थले आके मर जावे। अमेरिका में जो है अमेरिकन एम्बेसी के अंदर वो भी एक पैंदा दम जो जवाई वो वहां लगवाया हुआ है। मौजा लुट रहे ने, फिर कहते हैं अभी तो ये पोतड़े खुलेंगे। 1929 आ लेने दो, 29 के बाद जोत पतांग जो आएगी वो हम नहीं पटवारी इनके निकाल के लाएंगे। और इसको पता होएगा कि जो जेल में मुलाकात हुई थी नवाज शरीफ के साथ, डोनाल्ड ल्यूप भी था साथ, उसकी भी फिल्म भी है, ऑडियो भी है एवन फील्ड में मुलाकात हुई, जो पुंजे बिठाया था जिसको मैं कहता हूँ, तो वो भी उसकी वीडियो भी है, ऑडियो भी सब कुछ है। रहा ने वहाँ पे पूरा सेटअप लगाया हुआ हुसैन के दफ्तर में भी, और मैंने वो दुबई वाले शकूर साहब ने शकूरा जो अतर मिनला के बनोई जो हैं उनको एक दिन इंटरव्यू में किया था, जो वहाँ पे मीटिंग हुई है शायद खाकानबाजी ले गए, तो वो दिल्ली भी सुनी जा रही थी लाइव भी, सेटअप ऐसा बना हुआ था। तो क्या करते, अभी और भी आ रही है, अभी और भी आ रही है हाजी की फिल्में, लेकिन सब नंग गया तो पीटना क्या है, फिर क्या बनेगा इसके बाद। अभी इमेच्योर है वो जो इन्होंने फैसल नसीर ने जब क्वेटा में था ब्रिगेडियर कर्नल था, कर्नल से ब्रिगेडियर प्रमोट हुआ था, तो रेकी डोक वहाँ पे गोरा अगवा कर लिया था, वो सही पिटते बलोची। और ये बात इसने मुझे खुद बताई थी, इब्राहिम दाग बुगटी के भाई ने जो बीएलए का है फ्रांस नहीं यहाँ पे स्विट्जरलैंड में अम्बेसी में था, हमारा डोला साहब का सक्का भतीजा वहाँ पे लगा हुआ है, उसने बताया फौजी मारे बंदे उठा के ले जाते हैं, इनका गोरों के तो नाम हमारा लगाते हैं, पैसे लेके छोड़ते हैं। उनमें से फाइल मिच्योर कर रहा हूँ, दाम तेला तसिमर कर रहा हूँ। वो मैंने किसी प्रोग्राम में से वो जो जर्मन में है ना वावल एस के बाद जो वावल्स आएगा तो जे की आवाज़ निकलती है। नए आए चैनल को सब्सक्राइब भी करा के फॉरवर्ड करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।